वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार की शाम 5 बजे तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। इससे पहले वे आम आदमी पार्टी के दफ्तर गए और कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने कहा, मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कब वापस आऊंगा, वहाँ मेरे साथ क्या क्या होगा मुझे नहीं पता। दिल्ली सीएम ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल कल सामने आए, लिख कर ले लीजिए, ये सभी एग्जिट पोल फर्जी है। वही सरेंडर करने के करीब 30 मिनट बाद ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 5 जून तक ईडी की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। एजेंसी ने केजरीवाल की कस्टडी के लिए आवेदन दायर किया था। वही सीएम के अंतरिम जमानत पर होने के चलते आवेदन पेंडिंग था। केजरीवाल को जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।